और ऐसा किसने किया? ये सब उस वेन और जेनी का किया धरा है पापा जी। क्या वो जेनी? मैं जानती हूँ ना उसे, मेरा मतलब मैं जब ऑफिस में आई थी तब उसको और उस वेन को साथ में देखा था ने। पर वो दोनों? अंकल उन दोनों को ये भी पता है कि एडीडी की और कोई नहीं बल्कि जियान जांकुक है। पर उसको ये सब पता कैसे चला और उसको मेरे बच्चे से क्या मतलब है ने? और उन दोनों ने ऐसे क्यों किया है? नैंसी ने जो कुछ भी सुना वेन के कैबिन के बाहर से वो सब वो जीन और आरएम को बता देती है, जिसको सुनकर आरएम और जीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उन दोनों की इतनी हिम्मत? हाउ डेयर दे। एक मिनट भी नहीं लगेगा मुझे उन दोनों को रास्ते पे लाने के लिए। शायद वो भूल रहे हैं कि वो जियोन से पंगा ले रहे हैं। अरे पर वो दोनों ऐसा कर क्यों रहे हैं ने? यही तो बात है जो हमें पता करनी है। आखिर उन दोनों को जंगकुक से क्या प्रॉब्लम है और पता नहीं क्या मतलब है उन दोनों को उससे। मन तो कर रहा है कि उस वेन के घर में घुस के उस जेनी और उस वेन को खत्म कर दूं। नहीं जेहोब, हमें पहले पता करना होगा कि वो दोनों चाहते क्या है। फिर भी मुझे इस जेनी पे डाउट आता ही था। वो हर बार मुझे जंगकुक के बारे में पूछने का ट्राई करती थी। ऑलमोस्ट 2-3 बार तो पूछ भी ली थी। क्या? हाँ, पर तब मैंने उसकी बात पे उतना ध्यान नहीं दिया। तो चलो ने, देर किस बात की है? मेरे किचन के सारे बर्तन लेके जाते हैं और हमला कर देते हैं। पूरा सर्वर तो फोड़ ही डालेंगे ना उन दोनों का। ना रहेगा बास, ना बजेंगी बांसुरी। नहीं मतलब उनकी हिम्मत कैसे हुई ने मेरे बच्चे को हाथ लगाने की है? ये रूम मुझे बहुत ज्यादा जानी पहचानी लग रही है। जैसे कि मानो नो, ये मैं क्या सोच रहा हूँ फिर से लेटेड भी। एहसास नहीं तुझको। ये सोते हुए कितनी क्यूट लगती है। कितना कर दूंगा तुझे पागल, चाहूंगा सनम इतना। थैंक गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत ज्यादा डर गया था तय। लास्ट में आई लव यू कुकी क्यों कहा मेरी तरफ देख के? क्या सच में तुम्हारा हस्बैंड बिल्कुल मेरी तरह दिखता है? पर उसके साथ तुम्हारी कोई फोटो क्यों नहीं है तुम्हारे रूम में? अजीब है बहुत। खैर वो बहुत ज्यादा लकी है क्योंकि उसके पास तुम्हारे जैसी वाइफ है। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना बेताब मैं। ये मुझे क्या हो रहा है? क्यों मैं तुम्हारी इतनी फिक्र करने लगा हूँ तय? ये गलत है एडी। तुम्हारी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो गई है नैंसी के साथ और मिस तय का हस्बैंड भी है। तुम ऐसे पागलों जैसे सोचना बंद करो प्लीज। इश्क में तेरे कितना बेताब मैं। क्या ऐसे नहीं हो सकता कि तुम मेरी लाइफ में आ जाओ तय? आई नो कि ये गलत है पर पता नहीं क्यों पर मेरा दिल कह रहा है कि मेरा तुमसे कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। क्या करूँ मैं? क्यों मुझे इतना हर्ट हो रहा है? इन 2 सालों में मुझे ऐसे कभी नहीं हुआ। एक काम करो शुगा, उस वेन और जेनी के कैबिन की सीसीटीवी फुटेज निकालो अभी के अभी। ओके जस्ट वेट, मैं युंजन को बोलता हूँ, वो भेज देगा मेरे फोन पे। जल्दी कर। हेलो युंजन। हेलो सर। सुनो एक काम करना है तुम्हें। ओके सर बताइए कौन सा काम है। तुम्हें सीसीटीवी फुटेज सेंड करनी है मेरे मोबाइल पे। ओके सर बट कब की और कहाँ की? मिस्टर वेन और मिस जेनी के कैबिन की। जब से उनको उनका पर्सनल कैबिन मिला है उस दिन से लेके आज तक सारी फुटेज चाहिए मुझे। समझ गए ना तुम? डोंट वरी सर, काम हो जाएगा। मैं अभी ऑफिस में ही हूँ, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। ओके आई विल वेट। क्या कहा ने शुगा? हाँ मम्मी भेज रहे हैं वो 5 मिनट में। मैं तुम्हारे पास में ही हूँ, डोंट वरी। लगता है इसको होश आने वाला है। तै, तै, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? तै। पापा, युंजन ने सीसीटीवी फुटेज भेज दी है। चलो मैं चेक करता हूँ। रुक जा शुगा, ऐसे तो तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। एक काम कर तू, हर एक दिन के एक एक करके फुटेज हमारे फोन पे सेंड कर दे, हम भी चेक करेंगे तुम्हारे साथ। राइट, ऐसे जल्दी भी हो जाएगा काम। फिर शुगा सबके फोन पे दूसरे दूसरे दिन के फुटेज सेंड कर देता है और सब लोग चेक करने लग जाते हैं। हाँ,
नो, मैं रोता नहीं हूँ। वो तो पता नहीं क्यों आज मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। शायद मैं जानती हूँ क्यों। भले ही तुम्हें कुछ याद ना हो कुकी, पर तुम्हारा दिल मुझे और मेरे प्यार को अभी भी फील कर सकता है। वो एक्चुअली था, आई एम सॉरी, वो मैंने ऐसे ही तुम्हें हग कर लिया। एडी एडी, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। तुम्हारा पूरा हक बनता है मुझे गले लगाने का। मेरा मतलब है, तुमने मेरी जान बचाई तो ऑब्वियसली तुम मुझे हग कर सकते हो, इतना तो हग बनता ही है। बाय द वे, बाकी के लोग कहाँ है? ओह, सब लोग बाहर है, वेट कर रहे हैं। उन्हें बुलाओ क्या अंदर? नो 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 नो। मेरा मतलब है, हम दोनों थोड़ी देर बात करते हैं ना, प्लीज। तुम्हें प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा तो। थैंक यू। एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना। शिट मैन, इस फुटेज में तो कुछ भी नहीं है। सेम, इसमें भी कुछ नहीं है। वो दोनों नॉर्मल अपना वर्क कर रहे हैं। मेरे इसमें भी कुछ नहीं है, वो दोनों सिर्फ अपना वर्क कर रहे हैं। गाइस गाइस गाइस, मेरे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। वन आवर की क्लिप यहाँ पे मिसिंग लग रही है इस फुटेज में। सेम जेहोब, इस फुटेज में भी 30 मिनट की क्लिप डिलीट है। व्हाट द हेल, सीसीटीवी फुटेज में से क्लिप कैसे मिसिंग हो सकती है भला? किसी ने जानबूझ के उस वीडियो में से उतना ही पार्ट डिलीट किया है। पर ऐसे कैसे हो सकता है ने? सीसीटीवी कंट्रोल रूम में तो दो दो बॉडीगार्ड रहते हैं ने, तो कोई उस रूम में घुस के इतना बड़ा कांड कैसे कर सकता है, है? हो सकता है मम्मी, क्योंकि वहाँ पर ऑफिस के स्टाफ मेंबर अलाउ है, तो फिर इसका मतलब कोई ऑफिस का ही है। या फिर मैं कहूँ कि जेनी या फिर वेन है, उन दोनों में से ही कोई सीसीटीवी कंट्रोल रूम में गया होगा और वीडियो क्लिप में से आधे पार्ट को डिलीट कर दिया होगा। शिट, पर बॉडीगार्ड तो थे ना, फिर कैसे? लंच टाइम पे बॉडीगार्ड्स 10 मिनट के लिए बाहर जाते हैं, सो पॉसिबल हो सकता है कि वो दोनों उस टाइम का मौका उठा के सीसीटीवी रूम में एंटर किए होंगे। यू आर राइट नैंसी, हो सकता है। शुगा, तू अभी यंजन को कॉल कर और सीसीटीवी कंट्रोल रूम की फुटेज मंगा। मे भी हमें पता चल जाए कि कौन एंटर किया उस रूम में उस दिन और किसने इतनी हिम्मत की कि वहाँ पे जाके ये क्लिप डिलीट करे। ओके बाबा, जस्ट अ मिनट, में कॉल कर रहा हूँ। हेलो सर। हेलो अंजुन, अभी के अभी मुझे सीसीटीवी कंट्रोल रूम की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। ओके सर, किस दिन की चाहिए? मंडे की 3 बजे की, जब लंच टाइम होता है, और वेनसडे की भी भेज देना, टाइम सेम है। गॉट इट सर, जस्ट अ 5 मिनट। ओके। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ए, क्या हुआ ने? जल्दी भेजने को बोल ले भाई उसको। भेजेंगे मम्मी, जस्ट वेट, ढूंढने को थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, पर टाइम ही तो नहीं है ने भाई, उन दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं है, एक बार सच्चाई पता लगने दे बस। मम्मी मम्मी शांत हो जाओ, फुटेज आ गई है। शुगा जल्दी जल्दी से प्ले करो प्लीज। बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे शुगा, बस अब उस वेन और जेनी के मुंह से ही उनकी सच्चाई निकालते हैं। पर कैसे? मेरे पास एक आइडिया है, प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात करनी है करके उस हरामी वेन के घर पे जाते हैं, वो भी कल सब लोग, एंड सबके ड्रेस में मिनी कैमरा फिट रहेगा, वही कैमरे ने जिससे हम लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और लोगों को दिखता भी नहीं है, वो बहुत ज्यादा छोटा रहता है। हाँ मम्मी, वही, वो दोनों जो कुछ भी कहेंगे वो सब कुछ रिकॉर्डिंग हो जाएंगे उस कैमरा में, और उन दोनों को शक भी नहीं आएगा हम पे। फिर हम सब लोग उन दोनों को ये सीसीटीवी फुटेज दिखा के उन दोनों के मुंह से सच्चाई उगलवाएंगे, जो कि सब कुछ रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा उस मिनी।
मकसद क्या है? क्यों जंकुक के जान के पीछे पड़े हैं? I swear to God, मैं वहीं पे मेरे गन के छह गोलियां उस जेनी और वेन के खोपड़ी में डाल दूंगा। डोंट वरी, उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। मैं उसको बोलूंगा कि हम सब उस वेन के घर प्रोजेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, तुम कंपनी में थोड़ा फाइल चेक कर लेना और डाटा चेक कर लेना, ऐसे कह दूंगा मैं उसे। पर फिर तो तय को भी हमारे साथ लेके जाना पड़ेगा, उसके लिए ये सब हमें उसको भी बताना पड़ेगा। हाँ, जिम्मी ना बहू, तू बाद में उसको बता देना, जब कुकी उसके रूम से बाहर निकलेगा ना तब अकेले में बता दे तू उसको। वैसे टाइको होश आ गया होगा, चलो चेक करते हैं। ओके चलो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।